हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कोरोना वायरस के बावजूद देश में बैंकों का नाम बदला जाएगा, और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि क्या होगा आपके पैसे के, क्या आपके पैसे सही सलामत रहेंगे या फिर थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। ग्राहकों को क्या दिक्कत होगा बैंक्स के नाम बदलने के बाद, यानी कि बैंक्स के विलय होने के बाद, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अभी देश में बहुत भारी समस्या चल रही है कोरोना वायरस की महामारी को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद देश में बैंकों का विलय हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महीने की शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करने की मंजूरी दी है, और उस 10 बैंकों को विलय करके 4 बैंक्स में बदल दिया जाएगा। पूछे जाने पर सरकार ने कहा है कि बैंकों के विलय की समय सीमा बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया गया है, यानी कि तय डेट पे ही बैंकों का विलय किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जो डेट तय हुई है बैंकों के विलय की, उसी डेट पे बैंकों का विलय होगा। वहीं बैंक मामलों के सचिव देवाशीष पांडा ने भी यही बात कही है, और उन्होंने ऐसा उम्मीद जताया है कि बैंक क्षेत्र कोरोना महामारी की चुनौती से पार कर लेगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना वायरस मामले को देखते हुए विलय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है या फिर तयशुदा डेट पर ही होती है। बैंकों का जब मर्जर हो जाएगा तो क्या होगा? तो बैंकों का जब मर्जर होगा तो हम लोग देखते हैं कि टोटल 10 बैंक का विलय होगा, जो कन्वर्ट होकर के 4 बैंक में बदल जाएंगे। वो 4 बैंक कौन कौन से रहेंगे? पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इंडियन बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्ज होगा, यानी कि विलय होगा। वहीं केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय होगा। वहीं इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा, और इस विलय के साथ देश में टोटल 7 बड़े बैंक होंगे जिनका कारोबार करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा। विलय के बाद देश में 7 बड़े बैंक और 5 छोटे बैंक रह जाएंगे। लेकिन इस विलय के पहले वर्ष 2017 में हम चलते हैं तो उस समय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की कुल संख्या 27 थी, जो अभी विलय हो जाने के बाद 12 बैंक रह जाएंगे, जिसमें से 7 बड़े बैंक और 5 छोटे बैंक रह जाएंगे। ये तो हो गई बैंकों का मर्जर, बैंकों का विलय, लेकिन इसके बाद हम जानते हैं कि बैंकों के विलय के बाद कस्टमर्स पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिल सकता है, ऐसी संभावना है। जिन ग्राहकों को नए अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड मिलेंगे, उन्हें नए डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम आदि की अपडेट भी करवानी होंगी। वहीं लोन EMI के लिए ग्राहकों को नया इंस्ट्रक्शन फॉर्म भी भरना पड़ सकता है। नई चेकबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रैंकिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं होगा। जिन ब्याज दरों पर व्हीकल लोन, होम लोन या फिर पर्सनल लोन आदि लिए गए हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। SIP लोन या फिर EMI के लिए ग्राहकों को नया इंस्ट्रक्शन फॉर्म भी भरना पड़ सकता है। नई चेकबुक, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी इशू हो सकता है, क्योंकि बैंकों का मर्जर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक मर्ज करके दूसरे बैंक में मिलेंगे तो आपका सारा काम उसी बैंक से होगा। फिक्स डिपॉजिट या फिर रैंकिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जिन ब्याज दरों पर व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन आदि लिए गए हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ शाखाएं बंद हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों को नई शाखाओं में जाना पड़ सकता है। मर्जर के बाद एंटिटी को भी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस निर्देशों और पोस्ट डिटेक्ट चेक को क्लियर करना होगा। तो ये ग्राहकों के साथ कुछ समस्या हो रही है या फिर कहें कि कुछ सुविधाएँ भी हो रही हैं। देश में विलय के बाद
जैसे मैंने अभी बताया कि टोटल 7 बड़े देश बैंक बन जाएंगे और 5 छोटे बैंक बन जाएंगे, टोटल मिला के 12 बैंक आपके देश में रह जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि वर्ष 2020 में 1 अप्रैल को बड़ा क्या होने वाला है। तो 1 अप्रैल की बड़ी खबर यही है कि कोरोना के बावजूद बैंक्स के नाम बदले जा रहे हैं। इसमें आपके लिए जानने लायक ये था कि आपके पैसों का क्या होगा, उसका मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर्स पर क्या असर पड़ सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ असर नहीं है, बस इतना ही प्रॉब्लम होगा कि जो बैंकों का विलय हो रहा है, अगर आपके आपका उस बैंक में अकाउंट है तो यदि उस बैंकों का विलय हो गया है तो आप जिस बैंक में वो गया है, मर्ज हुआ है, आपको उस बैंक का अकाउंट डिटेल्स ये सारी आपकी नई मिल जाएंगी। ज़्यादा कुछ इशू नहीं हो रहा है कस्टमर्स को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो का इन्फॉर्मेशन, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।